सेकेंडरी यूनिट वो हम लोगों की कहलाती है अल्टरनेट यूनिट। जो प्राइमरी यूनिट है वो मेन यूनिट है, और जो सेकेंडरी यूनिट है वो हमारी अल्टरनेट यूनिट। ठीक है, तो प्राइमरी यूनिट को हम बोलते हैं मेन यूनिट, और जो सेकेंड यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं अल्टरनेट यूनिट। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, जब कोई कंपनी किसी सीमेंट को बनाती है तो सीमेंट को वो जो सेल करती है, ठीक, तो सेल करती है वो टन में, जिसकी यूनिट होती है टन। ठीक, लेकिन वही डीलर जब सीमेंट को परचेज करता है टन में तो सेल किस में करता है? बैग में। यानी आइटम एक ही है, आइटम एक ही है, उस आइटम का नाम है सीमेंट, लेकिन उसकी दो अलग अलग यूनिट है। एक यूनिट है उसका टन और दूसरी यूनिट है उसका बैग। एक ही आइटम की दो यूनिट है, एक यूनिट है टन और दूसरी यूनिट है उसका बैग। यूनिट टन और दूसरी यूनिट है अल्टरनेट यूनिट, जिसे हम बोलते हैं बैग। जैसे सपोज करो किसी किराने की दुकान वाले को देखो, जब वो किराने की दुकान वाला साबुन खरीदता है तो साबुन को किस में खरीदता है? गत्ते में, एक गत्ते में खरीदता है, इसको बोलते हैं केस। ठीक, लेकिन जब उसको बेचता है तो पीसेज में बेचता है, तो किस में? पीसेज में। उसकी सेकंड यूनिट क्या हो गई? पीस। इस तरह बहुत सारे आइटम आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर उसकी दो यूनिट होती, एक से अधिक यूनिट होती। तो जो पहली यूनिट है वो हमारी मेन यूनिट कहलाती है, और जो सेकेंड यूनिट है वो हमारी कहलाती है अल्टरनेट। तो अगर बीजी में कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहां पर एक ही आइटम की एक से अधिक यूनिट है, तो जो सेकेंड यूनिट है उसे हम अल्टरनेट यूनिट बोलेंगे। और ऐसी यूनिट को एंट्री करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसे आइटम की एंट्री करने के लिए हमें अल्टरनेट यूनिट का फीचर को इनेबल करना होगा। देखिए दे रखा है, यदि एक आइटम को एक अलग यूनिट में परचेज किया जाए और किसी दूसरी यूनिट में सेल किया जाए, यानी उसकी दो दो यूनिट, एक यूनिट में हम परचेज कर रहे हैं दूसरी यूनिट में सेल कर रहे हैं, अर्थात एक सिंगल इनवाइस में ही एक ही आइटम की दो यूनिट होती है, तो पहली यूनिट हमारी मेन यूनिट कहलाएगी और दूसरी यूनिट हमारी अल्टरनेट यूनिट। इसका फीचर कहाँ से इनेबल करेंगे? हम जाएंगे फीचर्स ऑप्शन में, फिर जाएंगे इन्वेंट्री फीचर्स में, फिर जाएंगे अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम में, इसे कर देंगे यस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीजी में अपनी कंपनी को ओपन करते हैं। ये पुरानी कंपनी थी, हमें इस कंपनी को बंद करना है, तो हम कंपनी पर क्लिक करते हैं और करते हैं क्लोज कंपनी। फिर हम ओपन कंपनी पे जाते हैं और अपनी कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कंपनी का लगाते हैं यूजर नेम एंड लगाते हैं कंपनी का पासवर्ड। जैसे इस कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड हम भरते हैं, सबसे पहले हमें जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद फीचर्स ऑप्शन में, और यहाँ पे लेना है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में हमें जाना है अल्टरनेट यूनिट। तो देखिए एक ऑप्शन दे रखा अल्टरनेट यूनिट फॉर ऑफ आइटम, इसे हम टिक लगा देंगे और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जैसे था ऐसे रहने देंगे और इसको कर देंगे ओके, और इसमें कर देंगे सेव। बस में आ रहा ना, अब अल्टरनेट यूनिट की कोई भी ट्रांजेक्शन की अगर आपको एंट्री करना है तो इन दोनों यूनिट में आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा, दोनों यूनिट में एक रेशियो बनाना पड़ेगा, एक रिलेशन बनाना पड़ेगा कि आखिर इन दोनों यूनिट के बीच रिलेशन क्या है। जैसे मान लो पहला यूनिट है टन और दूसरा क्या है? बैग। अब हमें ये देखना है कि टन और बैग के बीच में रिलेशन क्या है, यानी हमें ये पता करना है कि एक टन में हमारा कितना बैग होगा, ये हमको पता करना है कि एक टन में हमारे बैग की संख्या कितनी होगी। तो आप बताओ एक टन कितने किलो का होता है? एक टन कितने किलो का होता है? एक टन में कितना किलो? एक टन में हमारा 1000 केजी होता है। 100 किलो का एक क्विंटल होता है, ठीक, और 10 क्विंटल का एक टन होता है, यानी एक टन में हमारा कितना हो जाएगा? 1000 केजी। और जो सीमेंट की बोरी आती है बैग, वह कितने किलो का होता है? 50 किलो का। ये सबको पता है कि एक बैग बराबर 50 केजी। तो आप बताओ एक टन में कितना बैग बनेगा? 20 बैग। सबको क्लियर हो रहा ना, एक बैग में कितना किलो का होता है? 50। तो ऐसे अगर 20 बैग हम करेंगे तो 50 गुणे 20 हो जाएगा,
और 50 × 20 कितना हो जाएगा, 1000 kg, और 1000 kg को हम बोलते हैं 1 टन, यानी हम बोल सकते हैं 1 टन बराबर कितना बैग, 20 बैग। यानी हमको ये पता चल गया कि हमारा रेशियो क्या रहा है, 1 टन बराबर 20 बैग। इसी तरह सपोज करो कि कोई किराने की दुकान वाला है और वह केस में खरीदता है, किसी चीज को केस में खरीदता है, गत्ते में, और एक गत्ते में है 100 पीस, तो हम ये लिख सकते हैं एक केस बराबर कितना, 100 पीस। ये हर आइटम के लिए अलग अलग हो सकता है, कुछ आइटम के गत्ते में 50 पीस होगा, कुछ आइटम के गत्ते में 80 पीस होगा, कुछ आइटम के गत्ते में 100 पीस होगा। ये डिपेंड करेगा किस पर, आइटम पर। बात समझ आ रहा ना, किसी आइटम पे हमारा 50 होगा, किसी में 70 होगा, किसी में 80 होगा, किसी में 100 पीस भी होगा, ये हमारा डिपेंड करेगा उस आइटम पर। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा एक केस बराबर कितना हो जाएगा, एक केस बराबर हमारा 100 पीस। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों यूनिट के बीच में एक रिलेशन बनाना, कि एक यूनिट और दूसरी यूनिट के बीच में रिलेशन क्या, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, हम गए कॉन्फ़िगरेशन में फीचर्स ऑप्शन में, इन्वेंट्री में अल्टरनेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये स्क्रीन आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओके कर देना और सेव कर देना है। बात समझ में आ रहा है। अब एक आइटम हम बनाएंगे, आइटम को बनाने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, मास्टर्स में जाएंगे, आइटम पर जाएंगे और ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। हमारा जो यहाँ पे आइटम है ये है अंबुजा सीमेंट पीपीसी येलो बैग, इसे हम करेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम कर देंगे यहाँ पर टेस्ट, अंबुजा सीमेंट पीपीसी येलो बैग। चूंकि इसी नाम से हम पहले से आइटम बना चुके हैं, इसलिए इसके नाम के आगे हमने न्यू शब्द जोड़ दिया। आप कोई भी एक वर्ड थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्योंकि एक ही नाम से हमारे दो आइटम नहीं बन पाएगा। और आप देखेंगे इसके पहले जब हम आइटम बनाते थे तो यहाँ पर केवल यूनिट होता था, यहाँ क्या होता था, केवल यूनिट। लेकिन अब दो पार्ट आ गया, हमारा मेन यूनिट और दूसरा क्या आ गया, अल्टरनेट यूनिट। पहले क्या होता था, केवल यूनिट होता था, लेकिन जैसे हमने फीचर इनेबल किया, यहाँ मेन यूनिट अलग दिख रहा है और अल्टरनेट यूनिट अलग दिख रहा है। तो मेन यूनिट में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, टन, और अल्टरनेट यूनिट में क्या सेलेक्ट करेंगे, बैग। अब यहाँ पे पूछ रहा है कन्वर्जन फैक्टर, लिखा है ना CON, CON मतलब कन्वर्जन फैक्टर। तो आपको ये बताना है कि 1 टन में कितना बैग होगा, तो आप यहाँ कन्वर्जन फैक्टर भर देंगे 20। इसका मतलब हम क्या पढ़ेंगे, 20 बैग पर टन, यानी 1 टन में कितना बैग होगा, 20। इसलिए हमने लिखा 20 बैग पर टन, यानी 1 टन में कितना बैग, 20 बैग। बस इतना चीज हम करेंगे, एक हम नया आइटम बना लेंगे अंबुजा सीमेंट पीपीसी येलो बैग। नया इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ अल्टरनेट यूनिट का फीचर इस्तेमाल करना है, पुराने आइटम पे हम लगा नहीं सकते, ठीक है। उसका ग्रुप हो जाएगा सीमेंट, और यहाँ इसकी दो यूनिट देंगे, एक होगा टन और दूसरा होगा बैग। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कन्वर्जन फैक्टर में 20 बैग पर टन, 20 बैग पर टन, और इसको हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद हम आ जाएंगे परचेज वाउचर में। परचेज में आने के बाद सबसे पहले हम पार्टी का नेम सेलेक्ट करेंगे। तो अपने इस बिल में आप देखिए, हमारी जो पार्टी है वो पार्टी है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। ये देखिए हमारे सप्लायर का डिटेल यहाँ पे दे रखा है, ये सप्लायर हमारा है, सप्लायर है हमारा अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। तो हमें सप्लायर का लेजर सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर F3 से हम आइटम क्रिएट करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर का नाम हम यहाँ दे देंगे अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, इसको हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हम कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। चूंकि ये सप्लायर है इसलिए ग्रुप हम सेलेक्ट कर लेंगे सन्ड्री क्रिएटर। एड्रेस पूछा जाएगा, हम यहाँ पे एड्रेस भर देंगे। हमारा एड्रेस है देवरिया कसिया मेन रोड, भीमपुर देवरिया, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे देवरिया कसिया मेन रोड, और यहाँ पे एड्रेस हम भर देंगे भीमपुर देवरिया, इसको हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। और यहाँ पे हमें भरना है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो हम यहाँ पे भर देंगे अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको हम कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। और इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेव।
अब नेम ऑफ आइटम, तो हमने न्यू वाला आइटम सेलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी कितना टन खरीद रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आइए देखिए, हम खरीद रहे हैं 15 टन, 15 टन हम यहाँ पे भर देंगे, 15 टन फिल्टर करेंगे ऑटोमेटिक। देखिए इसने बैग में कन्वर्ट कर लिया है और यहाँ ऑटोमेटिक दिख रहा है 300 बैग, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस पर टन पूछा जा रहा है, तो 1 टन का दाम 6,474 रुपये 37 पैसे, 6,474 रुपये 37 पैसे हो गया। अब हमें डिस्काउंट भी लगाना है, देखो अमाउंट आ गया 97,115 रुपये 62 पैसे, यहाँ पे भी आ गया 97,115 रुपये 55 पैसे, 7 पैसे का डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि राउंड ऑफ मेथड दोनों के अलग अलग होंगे, ये बिल किसी और सॉफ्टवेयर से बना होगा, वो बिल किसी और सॉफ्टवेयर से बना होगा, और दोनों का राउंड ऑफ मेथड अलग अलग होगा, इसलिए इसको हम यहीं पे ठीक कर लेंगे। इसे क्या कर लेंगे, यहीं पे हम चेंज कर लेंगे। तो रुकिए, हमें लग रहा है कुछ ज्यादा हमने चेंज कर दिया है, 97,115 रुपये 62 पैसे, 97,000 और ओ हमने गलती कर दिया, यहाँ पर हमें लेना था 28% और हमने ले लिया क्या आइटम वाइज, इसीलिए अलग आ रहा था। बस में आ रहा ना, यही मिस्टेक हुई थी। तो यहाँ पे रेट हम करेंगे 6,474 रुपये 37 पैसे और ये जाएगा 97,115 रुपये 55 पैसा, इस 55 पैसे को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, 62 पैसा, बस समझ में आ रहा ना। अब हम टैब बटन दबाएंगे, हमें डिस्काउंट देना है, हम डिस्काउंट सेलेक्ट कर लेंगे। कितना रुपए डिस्काउंट है हमारे केस में, 2400 प्लस 1200 कितना हो जाएगा, 3600, 3600 रुपये हमने डिस्काउंट यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करेंगे, अप्लाई टैक्स पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे टोटल आ जाएगा 119,700। बिल को एक बार चेक करेंगे क्या टोटल वैल्यू इतनी है, आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए देखिए, दिख रहा है 119,700, यानी अमाउंट हमारा क्या है, मैच कर रहा है। अगर अमाउंट मैच कर रहा है तो इसको हम करेंगे सेव। यहाँ पूछा जाएगा परचेज का बिल नंबर, तो हम थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे इनवाइस नंबर, पूरे के पूरे इनवाइस नंबर को हम करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम इसको कर देंगे ओके और यहाँ पे इसको कर देंगे ओके और ये हो जाएगा हमारा सेल, हो जाएगा ना। परचेस में तो डिस्काउंट मिला था आपको, हाँ आप बोले कि डिस्काउंट हो, नहीं डिस्काउंट मिला है, ट्रांजेक्शन को में हम इस तरीके से एंट्री करेंगे। अगला टॉपिक हम लोगों का है क्या है, अगले टॉपिक में हमें दे रखा है ई वे बिल का फीचर्स। ई वे बिल क्या होता है सबको पता है, ई वे बिल क्या है ध्यान समझिए, ई वे बिल का मतलब होता है ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई वे बिल होता है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। तो इसमें क्या है, सरकार ने कुछ नियम में चेंजेस किया है, गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप 50,000 से ऊपर का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या 50,000 के ऊपर का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो आपको सिर्फ बिल नहीं चाहिए, आपको उस बिल के साथ ई वे बिल भी होना चाहिए, तभी वो ट्रांजेक्शन सही माना जाए। बात समझ में आ रहा ना, अगर अपने सप्लायर से 50,000 का माल हम खरीद रहे हैं, 50,000 या उससे ज्यादा का, या अपने कस्टमर को 50,000 या उससे ज्यादा का सेल कर रहे हैं, तो हमें बिल तो बनाना ही बनाना है, लेकिन उस बिल के साथ क्या करना है, ई वे बिल भी बनाना है। अब ई वे बिल के बनाने की जिम्मेदारी तीन में से किसी एक को निभानी है, या तो माल बेचने वाला सेलर, या तो खरीदने वाला रेसिपिएंट यानी बायर, या तो ट्रांसपोर्टर जो सप्लायर के यहाँ से माल को लेकर और बायर के यहाँ लेकर जा रहे हैं। बस समझ में आ रहा है, इन तीनों में से कोई एक, या तो सेलर, या तो बायर, या फिर ट्रांसपोर्टर, इन तीनों में से कोई एक होगा जो ई वे बिल को बनाएगा। बात समझ आ रहा ना, फिर से सुनिए, अगर 50,000 के ऊपर का प्रोडक्ट हम खरीदें या बेचें तो हमें ई वे बिल बनाना है। ई वे बिल कैसे बनाया जाता है आगे हम आपको सिखाएंगे। बात समझ में आ रहा ना,
ईवीएम बनाने की जिम्मेदारी 3 लोगों के पास है, या तो खरीदने वाला, या तो बेचने वाला, या फिर ट्रांसपोर्टर जो गुड्स को सप्लायर के यहाँ से लाकर और हमारे यहाँ पहुंचा रहा है। इन तीनों में से किसी एक को निभाना है, बात समझ में आ रहा ना? लेकिन ईवीएम बिल बनना वहां पे जरूरी है, अगर ये बिल नहीं बनाते हैं तो वो ट्रांजेक्शन आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है? अगर ये ट्रांजेक्शन 5 किलोमीटर के भीतर हो रहा है तो वहां पर ईवीएम बिल की कोई जरूरत नहीं, वहां पर रिलैक्सेशन है। जैसे मान लो सुभाष चौक का कोई व्यापारी हमारे यहाँ से आया और 70,000 रुपये का सामान हमारे यहाँ से लेके जा रहा है, तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर से ज्यादा तो है नहीं, तो वहाँ ईवीएम बिल बनाने की जरूरत है नहीं। लेकिन वही अगर रामकोला का कोई कस्टमर आता और वो 70,000 का प्रोडक्ट लेकर हमारे यहाँ जाता तो हमें ईवीएम बिल बना के साथ में देना पड़ता, बात समझ में आ रहा ना? तो हमें क्या करना पड़ता, ईवीएम बिल बना के साथ में वहां पर देना। तो ईवीएम बिल के लिए दो कंडीशन है, एक जो सेल हो रहा है या जो परचेज हो रहा है उसकी कीमत 5,000 से ज्यादा होना चाहिए, तो सॉरी 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, और दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए, तब ये बिल हमारा काम करेगा। तो देखो पिछले बिल में देखो आप, हम जो परचेज कर रहे हैं, हमारा बिजनेस तो पटौना में है और हमारे सप्लायर का बिजनेस कहाँ है? देवरिया है। तो डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर से ज्यादा है, पहली शर्त। दूसरी चीज, जो हम खरीद रहे हैं जो आइटम, वो हमारा है 1,19,000, ये भी 50,000 से ज्यादा है, तो हमें क्या, हमें यहाँ पर ये बिल बनाना पड़ेगा। तो अभी हम ईवीएम बिल बनाना नहीं सीख रहे हैं, अभी हम ये सीख रहे हैं कि अगर ईवीएम बिल हमारे सप्लायर ने बनाकर हमको दिया है तो उसकी एंट्री हम बिजी में कैसे करेंगे। इसके लिए आपको कहाँ पर जाना है? सबसे पहले जाना है आपको बिजी को ओपन करना है, जाना है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको जाना है फीचर्स ऑप्शन, और यहाँ पे जाना है जीएसटी वैट, क्योंकि ईवीएम बिल जीएसटी का पार्ट। जीएसटी वैट में जाएंगे तो एक जहां ऑप्शन आपको मिलेगा ईवीएम बिल रिक्वायर्ड, ईवीएम बिल रिक्वायर्ड, आप इसे वाई से करेंगे यस। जैसे यस करेंगे यहाँ पर पूछा जाएगा फ्रॉम प्लेस, फ्रॉम प्लेस, तो यहाँ आप अपने शहर का नाम डालेंगे। ठीक, फ्रॉम प्लेस मतलब कहाँ, अपने शहर का नाम। ठीक, फिर उसके बाद अपना पिन कोड भरेंगे 2743 04। अब उसे पूछा जा रहा है अमाउंट आफ्टर विच ये बिल इज अप्लीकेबल, कितने अमाउंट के ऊपर ये बिल की जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पे भर देंगे 50,000। क्या हो गया पेपर देना, पेपर चाची, पेपर देने देना। चाह रहे हो? ठीक है जाओ। फिर यहाँ पर है ये बिल रिक्वायर्ड फॉर लोकल ट्रांजेक्शन, क्या लोकल में होने वाले ट्रांजेक्शन के लिए ये बिल जरूरी है? अगर जरूरी है तो यस, अदरवाइज नो। फिर पूछ रहा है अप्लीकेबल फॉर ट्रांजेक्शन, ये बिल क्या B2B और B2C दोनों के लिए जरूरी है या केवल B2B के लिए जरूरी है? तो हम लगा देंगे दोनों पर, B2B और B2C दोनों के लिए बिल जरूरी है। फिर अमाउंट आफ्टर विच ये बिल अप्लीकेबल B2B और B2C, B2B या B2C के लिए हमारा ये बिल कितने रुपए में जरूरी है? 50,000। तो 50,000 यहाँ पर हम दोबारा भर देंगे, हो जाएगा। फिर डिस्टेंस आफ्टर विच ये बिल अप्लीकेबल, किस दूरी के बाद हमें ईवे बिल की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हम भर देंगे 5 किलोमीटर। यानी ईवे बिल हमारा बनाने के लिए सबसे पहले अपने अपना एड्रेस हम डाल देंगे, हमारा शहर का नाम, यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देंगे। फिर पूछा जा रहा है किस अमाउंट के बाद ईवे बिल आपको बनाना है, तो आप यहाँ पे भर देंगे 50,000। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है लोकल ट्रांजेक्शन में ईवे बिल की लिमिट कितनी है, तो आपने यहाँ पे भर दिया 50,000। और ये पूछा जा रहा है B2B के लिए B2C के लिए, हमने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन हमारे यहाँ से लेकर जाएगा तो भी ये बिल बना के देंगे, अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर लेकर जाएगा तो भी ये बिल बना के हम देंगे, और इसे हमें कर देना यहाँ पे सेव। बात समझ में आ रहा ना? इसे हम करेंगे यहाँ पे सेव, यहाँ पे पूछा जाएगा तो यहाँ पे हम कर देंगे यस। जैसे हम यस करेंगे हमारा ये बिल का फीचर सेव हो गया। अब ये बिल का फीचर अगर सेव होगा और जैसे हम ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई करेंगे, हम ट्रांजेक्शन में गए, परचेज में गए, मॉडिफाई पर गए और अपने ट्रांजेक्शन को ओपन कर लिए, ये वही वाला ना जो इसकी एंट्री अभी हमने की थी। जैसे इस ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई मोड में ओपन करेंगे और यहाँ पे करेंगे हम इसको सेव, फिर यहाँ पे करेंगे ओके, फिर यहाँ करेंगे ओके, हमारे सामने देखिए एक नई स्क्रीन आ गई, ट्रांसपोर्ट डिटेल आ गई ना, इसके पहले नहीं आता था।
इसके पहले हम सेव करते थे, डायरेक्ट सेव हो जाता था और हमसे ट्रांसपोर्ट का कोई डिटेल पूछा नहीं जाता था। लेकिन अब अगर हम सेव करेंगे तो हमसे ट्रांसपोर्ट का डिटेल पूछा जाएगा। सबसे पहले पूछ रहा है ट्रांसपोर्ट का नाम बताइए, जिस ट्रांसपोर्ट से आपका माल आया है। तो आप चलिए आप थोड़ा सा बिल को स्क्रॉल करते हुए देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रांसपोर्टर नेम तिरुपति। तो हमारा ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है? तिरुपति। हम इसको करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ ट्रांसपोर्टर का नाम हम भर देंगे। अब पूछा जा रहा ट्रांसपोर्टर की आईडी बताइए, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टर का कोड दे रखा है, ये हम वही क्या ट्रांसपोर्टर की आईडी। इसको भी कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और हम कर देंगे यहाँ पे सेव। अब है GRRR नंबर। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे GRRR नंबर दे रखा है 109, और वो नंबर हम यहाँ पे भर देंगे 109। स्टेशन फ्रॉम प्लेस कहाँ से, तो देखो ये प्रोडक्ट हमारा कहाँ से आ रहा है, देवरिया से आ रहा है। देखो हमारे सप्लायर का एड्रेस क्या है, देवरिया का, यानी प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, देवरिया से। तो फ्रॉम प्लेस में हम डाल देंगे देवरिया। अब देवरिया का पिन कोड पूछेगा, जो भी पिन कोड होगा आप देवरिया का पिन कोड यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, भरने के बाद पूछ रहा है ईवे बिल रिक्वायर्ड है क्या, इस ट्रांजेक्शन के लिए ईवे बिल की जरूरत है। आप बोलेंगे यस, और यस होने के बाद यहाँ पूछा जाएगा डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो बिल में देखिए, बिल में आपको जो है डिस्टेंस यहाँ दिखाया गया है 94 किलोमीटर दे रखा ना, 94 किलोमीटर, तो यही डिस्टेंस आप यहाँ पे भर देंगे 94। अब आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस चेक करना है। तो अगर देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ना चेक डिस्टेंस, तो ये बता रहा है दिस फीचर कैन नॉट यूज इन डेमो मोड। अभी सॉफ्टवेयर को हम डेमो मोड में इस्तेमाल करें, इसलिए फीचर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर हम लाइसेंस वर्जन हमारे पास है तो हम यहाँ से डिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं कि दोनों के बीच की दूरी कितनी, इसलिए पिन कोड पूछा जाता है। पिन कोड से पिन कोड के बीच की दूरी निकाल ली जाती है ऑटोमेटिक। अब पूछा जा रहा है, ठीक है, सप्लाई टाइप। तो यहाँ सप्लाई टाइप हम सेलेक्ट कर लेंगे सप्लाई, फिर ट्रांजेक्शन पूछा जाएगा रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। रेगुलर सेलेक्ट करने बाद यहाँ पूछा जाएगा ईवे बिल का नंबर बताइए। तो आप यहाँ पे आएंगे देखेंगे ईवे बिल का नंबर यहाँ पे दे रखा है, इस नंबर को हम करेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट। फिर टैब बटन दबाएंगे, पूछेगा ईवे बिल का डेट, ये ट्रांजेक्शन का डेट बाय डिफॉल्ट उठा लेगा और हमें इसे क्या कर देना है, कर देना है सेव। यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जो आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किससे किससे हो रहा है, रोड से हो रहा है, एयर से हो रहा है मतलब हवाई जहाज से, रेल से हो रहा है, या सिप, सिप मतलब पानी के जहाज से। तो यहाँ पे किससे हो रहा है, बाई रोड, और हम इसको कर देंगे ओके। और ऐसा करने के बाद ये ट्रांसपोर्ट का डिटेल भी हमारे सामने आ जाएगा। तो आज की क्लास हमने देखा कि हम ईवे बिल की एंट्री कैसे करते हैं, बिजी में हम ईवे बिल के फीचर्स की एंट्री कैसे करते हैं। ईवे बिल बनाना नहीं सिखाया गया, ईवे बिल बनाना अलग से हम सिखाएंगे आपको, ईवे बिल कैसे जनरेट होता है, ईवे बिल कैसे बनाया जाता है वो अलग से सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप ये देखिए, अगर हमारा ये बिल पहले से बना है तो उसकी एंट्री हमें बिजी में कैसे करना, बात समझ में आ रहा ना? तो हम इसको करेंगे सेव, और सेव करने के बाद हम इसकी एंट्री करेंगे, ये हो जाएगा ना? इसमें कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आ रही हो जाएगा? तो बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आज की क्लास अब यहीं पे समाप्त कर रहे हैं।